जनपद मुरादाबाद के मुंडा पांडे मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश स्तर पर आयोजित गृह प्रवेश व चाबी वितरण कार्यक्रम के दौरान विभिन्न जनपदों के लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद किया गया और 2021-22 के 17 लोगों को आवासों के स्वीकृति पत्र दिए गए। जनपद के मुंडा पांडे ब्लॉक में जनपद स्तर मुख्य विकास अधिकारी सुमित यादव की उपस्थिति में लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री के संवाद को सुना। इस दौरान उन्होंने जिले के प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत लाभार्थियों को चाबी सौंपी और योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त होने पर उन्होंने शुभकामनाएं भी दी। ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर नवदीप यादव ने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्तियों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जा रहा है। सरकार की इन विकास परक एवं जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रदेश के गरीब और जरूरतमंद लोगों के जीवन स्तर में सुधार आ रहा है। किया गया है वो पूरे प्रदेश भर में बड़े हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया जा रहा है गृह प्रवेश का कार्यक्रम। उसी के क्रम में हमारे ब्लॉक में भी ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे मुख्य विकास अधिकारी महोदय, पीडी साहब, बीडीओ साहिब, सभी एडीओ साहब, सभी पंचायत सचिव और यहाँ उपस्थित सभी क्षेत्रवासियों, आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप लोग देखिए सुबह से बैठे हुए हैं, ज्यादा समय ना लेते हुए संक्षेप में मैं अपनी बात कहना चाहूंगा कि जो ये हमारा 1.5 साल का कार्यकाल है, 1.5 साल में लगभग 1200 बेघरों को घर दिए गए हैं। अभी जब आप लोगों से संवाद किया जा रहा था तो हमारी एक लाभार्थी है, उन्होंने बताया। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि हमारा ये प्रयास है कि प्रत्येक पात्र लाभार्थी को उसकी पात्रता के अनुसार हर योजना का लाभ मिले। साथ ही ब्लॉक का भी निरीक्षण किया, जो कमियां मिली उन्हें दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए गए। कार्यक्रम में पीडी सतीश प्रसाद मिश्र, खंड विकास अधिकारी श्रद्धा गुप्ता, एडीओ पंचायत, एडीओ समाज कल्याण सुनील कुमार व पूरा ब्लॉक स्टाफ मौजूद रहा। प्राप्त हुए थे कि प्रत्येक ब्लॉक परिसर में जो भी मुख्यमंत्री आवास योजना के जो स्वीकृत आवास है उनकी प्रथम किस्त रिलीज करनी है और जो भी 1 सितंबर 2021 के बाद जो भी प्रधानमंत्री आवास पूर्ण हुए हैं उनको आज गृह प्रवेश में चाबी वितरण कराना था। उसी क्रम में आज मुरादाबाद जनपद के प्रत्येक ब्लॉक में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उसी के क्रम में आज हम लोग मुंडा पांडे ब्लॉक में आए हैं। पूरे मुरादाबाद जनपद का बताएं तो मुख्यमंत्री आवास योजना के 17 ऐसे स्वीकृत लाभार्थी हैं जिनको आज प्रथम किस्त यहाँ से रिलीज की गई है और कुल 1474 ऐसे आवास हैं जो हम लोगों ने आज प्रधानमंत्री आवास के जिनके आज चाबी वितरण किया गया है। ये पूरे मुरादाबाद जनपद का है। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी अनुरोध किया है सभी आम जनमानस से जिनको आवास मिले हैं कि अगर वो किसी सरकारी परियोजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं या गोल्डन कार्ड नहीं है उनके पास या राशन कार्ड नहीं है तो वो आज हमें बता दें यहाँ पर आके या अपने संबंधित सचिव को बता दें ताकि हम उनको आगे सारी स्कीम्स का फायदा दिला सकें। सर बरसात में सर आपदा के अंदर जो भी मकान या ऐसे जो भवन ध्वस्त हो गए थे उन भवनों के लिए जो है राजस्व से 1,20,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलती है दैवीय आपदा के अंतर्गत। साथ ही साथ जो है सर्वे भी कराया गया था और जो घर टूटे हैं उनकी सूची भी शासन को उपलब्ध करा दी गई है तो उनमें से अगर जो पात्र हुए या जिन्होंने राजस्व से पैसा नहीं लिया था उनको मुख्यमंत्री आवास भी स्वीकृत कर दिया जाए।